क्यों परेशान कर दी उसको, काट के तो उड़ कर दूंगा। झगड़ो उसको और तेज से। कौन है तू? कहां से आई थी? कौन है? जल्दी उड़ा तो उड़ कर दूंगा। कौन है? मुझे छोड़ दो। कौन है तू? मुझे छोड़ो। कौन है तू? औरत आदमी है। कौन है तू? औरत आदमी है। मुझे छोड़ो। हाँ, कौन है? छोड़ दो जब तक मैं सवाल जवाब काट दूंगा। कौन? लगा पूरी ताकत लगा, जोर से और जोर से। मुझे छोड़ डालो, मुझे छोड़ डालो। हाँ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। कौन है तेरा? ये शादी करे तेरी इसके साथ? हाँ? हाँ? क्या हुक्म दिए थे? क्या हुक्म दिए थे? कंठ पिशाच है तू तो, कमबख्त किसको भी जुलूम देती क्या? मोहिनी कौन है तू? कौन है? काट दूंगा दो टुकड़ों में, जल दे। झगड़ो उसको तेज के साथ, जोर से और जोर से। कहां से पकड़े थे? शमशान से, कब्रस्तान से। कहां से पकड़े? जितना बोलने में लेट करी हुई ना, उसके अंदर आग लगा दो। बला को मार मार के आग लगाओ उसके अंदर, तेज से जला दो पूरा। हाँ हाँ, जोर से जला दो। हाँ, कितने साल से परेशान कर रही थी बच्चे को वो? कितने साल से? हाँ, क्या नाम है उनका? वसीम। डबल वीडियो नहीं बनाते, इधर बन रहा ना उसका, डबल वीडियो नहीं बनता। हाँ, वसीम अहमद को कहाँ से पकड़ी थी? कहाँ से पकड़ी थी? छोड़ डालो, मुझे छोड़ डालो। कहाँ से पकड़ी थी? पहले बोल, नहीं तो पूरा जला दूंगा। छोड़ डालो, छोड़ डालो, मुझे अल्लाह की वजह से छोड़ डालो। हाँ, कहाँ से? शमशान से, कब्रस्तान से। क्या तकलीफ दे रही थी इसको? जल्दी बोल, टाइम नहीं बर्बाद। दो टुकड़े कहाँ से लाए थे? कौन लाया? आदमी लाया, औरत लाई? कौन लाई? औरत लाया, आदमी लाया। अच्छा, इसको मार के लिए जाने वाली थी साथ में, मार के लिए जाने वाली थी। हाँ, जल्दी बोल, मुझे छोड़ डालो। नहीं, छोड़ देने, देखो पूरा काट के डाल देता हूँ तेरे को, तेरे दो टुकड़े कर देता हूँ। भड़काओ उसके अंदर तेजी से आग, भड़काओ। तेरे दुनिया से छोड़ के हमारे दुनिया में आके क्या कर रही तू? ऐसा कौन है तू? जान नहीं देते तेरे को, नहीं जान देते, एक बार भी जान देते। जब तक सवाल के जवाब नहीं देंगे मेरे, जब तक नहीं जान देता हूँ। जोर से और जोर से, जोर से। पूरी ताकत बता तेरी कितनी है तो मुझे। अल्लाह अल्लाह, जोर से। छोड़ देने तेको, नहीं छोड़ते। जलाओ उसको, जलाओ, छोड़ जलाओ। कौन है तू? हाँ, जिन्नात की नस्ल से, मरयाले इंसान की है। हाँ, इच्छाधारी नागिन है। कौन है? सांप। सांप है? सांप मैं। सांप है? सांप। क्या तकलीफ दे रही थी तू उसको? हाँ, इच्छाधारी नागिन है तू। हाँ, इच्छाधारी नागिन है। नाग है, नागिन है, है। नाग जिन्नात नहीं है क्या? नागिन नहीं है। कौन है? औरत आदमी है जिन्नात की, नागिन नहीं है क्या? नाग है। कौन है? कौन है? नाग है क्या? नागिन है। मारो उसको, मारो और तेज से आग लगाओ उसके अंदर। मजाक समझ रहे हो? नालाखा है, खजाने पे का सांप है तू। हाँ, खजाने पे की नागिन नहीं है। कौन है? लोगों की जिंदगी खराब कर रहे तुम, समझते हो? कितने शैतान है इसके अंदर और? कितने है और? है कौन कौन है? शैतान है, जिन्नात है और? नहीं 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 नहीं, तू है नहीं। हाँ, आग लगाओ उसके अंदर तेज से।
اللهم اعف عن عالم الغيب وشهادة الرحمن الرحيم اللهم اني احاد اليك في هذه الأدنى صلى الله عليه وسلم وحدك لا شريك لك اللهم محمدا عبدك ورسولك فلا تكلم الله سبحانك تكلم الله الا تكلم الله الرحمن الرحيم عندك احد تغفر عندك احد तकलीफ दे रही हूँ कौन डाले थे लाके औरत ने अपनी ने कौन डाला बोलने नहीं होता कौन डाला था नहीं होता बोलने क्या दुश्मनी से डाले थे नहीं होता दुश्मनी की खुद बहुत अच्छा मत बोलो बोले कसम डाले कसम डाले सो ना मन को बोल बोले हाँ अच्छा इसका जादू चलाते टाइम पे क्या लेके गए थे हाँ छोकरे का जादू चलाते वक्त क्या लेके गए थे कपड़ा चप्पल मट्टी हाँ क्या लिए थे जल्दी मैं ऊपर काट दूंगा हाँ क्या लिए थे क्या लिए थे नाम नहीं पूछा मैं कौन जादू कर सो जादू बोले नहीं इसे हाँ इसे बुला लग चल गया इसे हाँ हलू बुला लग जा को इसे धोखा दिया सो कहीं में मिला खिलाए इसे क्या भी खिलाई नहीं है हाँ इसे हाँ क्या भी खिलाई नहीं फिर जादू कैसा चलाए कपड़ा लेके बाल लेके चप्पल लेके क्या लिए थे हाँ इसे क्या की कर डाले सो हाँ डायरेक्ट कर दिए क्या इन्हें खुद बुला के लिया तुझे अमल करके नहीं क्या इन्हें खजाना खोद रहा था तू खजाने पे का नहीं हाँ इन्हें वैसा नाग जिन्ना थे तू नाग है इन्हें वैसा नहीं ने कैसा वैसा नहीं ने कैसा इन्हें बहुत अच्छा है ने फिर क्यों मैं सीधा नहीं उसको दे रहे आके इन्हें बहुत अच्छा इंसान है ना अच्छा उसकी पहली औरत तू कौन करे तो तू थे क्या पहली औरत की तरफ भी क्यों करे पहली औरत को अपंग क्यों बना दिया वैसा पूरा माजूर क्यों कर दिया पागल जैसा तकलीफ दियो इसे तकलीफ दियो इसे तकलीफ दियो करको अच्छा तकलीफ पर तकलीफ दियो इसे हाँ अच्छी इज्जत नहीं होना इसे हाँ क्या भी नहीं होना इसके पास इन्हें मर जाना अच्छा इसको कब मारने का था इसको अम्मा के कुंडम में कब कब इसे मारना बहुत मुश्किल है फिर भी कब मारने वाले थे अम्मास में पुन्नम में नहीं होता टाइम टारगेट बना के रखे थे नहीं होता इसे मारने नहीं होता इसे पुन्नम में इसे मारने नहीं होता इन्हें बहुत अच्छा इन्हें हाँ बहुत अच्छा इन्हें अब तो कैसे मरने दे तेरे अब तो मेरे पास आ जाना ना मेरे इसने नहीं होता बहुत मुश्किल है इसे मारना मुश्किल बहुत मुश्किल है इसे मारना तो मुझे छोड़ डालो मुझे कैसा छोड़ेंगे तुझे खजाने पे की है तू तू नाग जिन है क्या उसकी जिन की औरत है कौन है नागिन है नाग है नागिन क्या नाग नागिन क्या नाग कौन है मैं चूत नागिन है नागिन है अच्छा कहीं कोई से शादी करने का था जो इसके आंग में घुस के बैठ रही तू आके तो हाँ फिर मार देने का था हाँ मार देने का था बहुत कोशिश करी मारने की मगर उन्हें मेरे वीडियो देख देख के मेरे वीडियो देख देख के इबादत कर रहा था ना उन्हें बोलते कुरान पढ़ रहा था सब बहुत होशियारी ने मेरे वीडियो में देख देख के उन्हें अमला कर रहा था जिक्र इबादत बोल के बच गया उन्हें और जल्दी मालूम कर लेता क्या भी चीज अब क्या करना तेरे साथ बोल क्या किया जाए तेरे साथ तुझे बाटल में डाल के जमीन में गाड़ देना क्या कयामत तक बैठ के फिर जमीन में चल कौन डाले थे और क्या क्या दास्तान है सब मुझे याद करके आगे दूसरे चक्कर तक सुनाना सब मुझे याद करके आगे दूसरे चक्कर तक सुनाना मैं तो तुझे पूरा मार मार के भस्म कर दूंगा तू नागिन है ना कमबख्त तो मुझे सब याद करके आगे दूसरे चक्कर तक सुनाना कब मारने वाले थे बच्चे को कौन डाले थे इसके आंग में क्या क्या दास्तान चल रही थी और दूसरी बात वो कौन आदमी था जादूगर कौन था सब याद करके आगे सुनाना समझ गई चल दोबा दोबा कर जल्दी देख जल्दी दोबा दोबा कर क्या आवाज नहीं आ रही मेरी तोबा की सुने तोबा बोल जल्दी जबान से दो टुकड़ कर दूंगा हाँ जल्दी हाँ मुंह पे मार जोर से हाथ उसके मार मुंह पे जल्दी तोबा बोल के ये कौन सा है तोबा का तरीका
चल जा जा नाला चल हट चल जा। अरे क्या हुआ मालूम था मुझे सब पकड़े थे ना वो क्या बता रही थी वो कोई नाग जिन्नात नहीं बोल रही यानी कि जिन्नातों में हो रहे थे ना खजाने में बैठे वाले बोलते ना कि नाग है वाला वाला था हमने देखी इधर से कहा तो उसमें की उसकी नागिन है अब वो ऐसा खुद बहुत तो नहीं है उन्हें बोल रही ना जादू को से करे करा दिए धोखे से करा इसके ऊपर वो सब वो तो आगे पूछेंगे उन्हें सब नाम बताएंगे उन्हें जब तक उस बाद में मार मार के फिर अगर सीधे इज्जत से जाने का मौका देंगे उसे किसी के राइट्स नहीं छीनेंगे शैतानों को भी अपन क्या बोलते तो उनसे भी रहम करते अल्लाह के फजल करम से कई गुप्तगुनों देंगे मगर जो शैतान टट करा तो उसको ही मार पड़ती इज्जत से तोबा तोबा करके चलेगा तो ठीक है इंसानियत को जुल्म नहीं दे आदम जात को तुम कैसा जुल्म दे सकते बोल के उनको भगा देते गए तो ठीक है नहीं गए तो फिर उनको मार पड़ती मगर वो आदम जात कितने बदमाश है जो ये ऐसी हरकतें कर रहे वो भी तो आदम की नस्ल है ना जिन्ना का भी तो ये बोलते हैं ना वो भी तो आदम की नस्ल थी जिन्होंने पकड़ के ला के डाले अनिति मार पड़ा रहे तो वो जादूगर आए उनको जादूगर बोलते हैं वो जादूगर जो है तो जादूगरों को वो हमें से नहीं है वो हमें से नहीं है वो हमें से नहीं है जादूगरों के पास बिल्कुल नहीं जाना बिल्कुल नहीं जाना बिल्कुल नहीं जाना अगर वो तुमको नमाज की ताकीद नहीं करता अगर वो तुमको नमाज के बारे में टोकता नहीं नमाज क्यों नहीं पढ़े पढ़ो अगर तुमको हदीस कुरान पढ़ने की तालीम नहीं देता और उसके जबान से ये अल्फाज नहीं निकलते तो समझ जाना वो जादूगर है बड़ा चोला पहन के बैठा हरा जुब्बा पहन अंदो के कौन से कलर का भी जुब्बा पहन अंदो फिर समझ जाना कि वो जादूगर है क्योंकि उन्हें नमाज के बारे में तुमको तारीफ नहीं कर रहा नमाज तुमको पढ़ने की ताकीद नहीं कर रहा तुमको बोल रहा नहीं और हुक्म नहीं दे रहा तो तुम समझ जाना कि वो जादूगर है बदमाश और कुरान पढ़ रहा नहीं खुद तुम्हारे सामने मंत्रा पढ़ रहा अगर कोई तो समझ जाना रे वो जादूगर है क्योंकि कुरान अगर जोर से और बावाज बुलंद पढ़ रहा तो फिर समझ जाना कि वो अल्लाह वालों का दर है और वहां अल्लाह की तरफ से रहमत बरस रही और तुम्हारे रुखैये बजा के सुना दे रहे टेपों के अंदर तो तुम घर पे भी सुन सकते ना तुम्हारे उसके घर पे जाके पैसे डाल के सुनने की जरूरत क्या है जबान में तासीर वाली की जबान से कुरान सुनो वो आमिल के या वली अल्लाह के पास जाएंगे तो और वहां टेप बज रहा है टेप बजा के तुम आपको सुना रहे तो समझ जाना रे कुछ भी नहीं है ये टेप तुम घर पे भी जाके सुन सकते फिर इसका नहीं आके इसको पैसे क्यों देना क्या बजे तुम्हारे बर्बाद कर देते तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देते जादूगर ये इलाज वाले अल्लाह कहे सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे और ये बात याद रखो अल्लाह से मांगो हर चीज अल्लाह से मांगो अल्लाह हर चीज पर कादिर है अल्लाह जानदार पे भी हुकूमत करता अल्लाह बेजान पे भी हुकूमत करता इसलिए ये बात याद रखना ज़हन नशीन कर लेना तुम्हारे कोई भी तकलीफ हो रही कुछ भी हो रही तुम अल्लाह को अल्लाह तकलीफ में तो दुनिया वालों ने डाले तू नजात दे मालिक तू राहत दे कुरान पढ़ो हदीस पढ़ो घर में एक मामूल बनाओ हदीस पढ़ने का घर के अंदर एक टाइम रखो ईशा के बाद में बच्चों को सूरह यासीन पढ़ के जोर से एक जने ने सुनाना पूरी फैमिली ने सुनना और सो जाना तो तुम्हारी रात तमाम तुम महफूज रहेंगे वबाओं से बलाओं से आफतों से हर चीज से अल्लाह के हुक्म से सुबह जब दिन निकला तो मामूल बनाओ कि घर के अंदर सूरह यासीन पढ़ा करो सूरह रहमान पढ़ा करो सूरह मुज़म्मिल सूरह जिन सूरह वाकिया सूरह बकरा जो तुमको पढ़ने आता पढ़ो और बच्चों को सबको बिठा के सुनाओ अगर तुम सूरह यासीन सुबह पढ़ के तुम्हारे बच्चों को सुनेंगे सबको फिर ड्यूटियों पे कामों पे जाएंगे तुम फिर तुम स्कूलों को जाएंगे तो वाकई में तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी कसम खुदा की और आखिरत भी बन जाएगी तुम्हारी क्योंकि तुम दीन की रस्सी को मजबूती से थाम के चल रहे और तुम दीन की रस्सी अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थाम के चलोगे तो वाकई में यकीनन तुम्हारी हिफाजत अल्लाह करेगा बेशक और अल्लाह जिसकी हिफाजत के ठान लेता तो फिर याद रखो ये कोई जिन्नात शैतान चुड़ैल भूत और इबलीस कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता हर वबाओं से हर बलाओं से हर आफतों से अल्लाह तुमको महफूज रखेगा जब तक बच्चा रोता नहीं माँ के सामने जब तक माँ उसको दूध पिलाती नहीं नालायको इकट्ठो समझो जब तक बच्चा रोता नहीं तो उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाती तुम जाके जानी माँ पे गिड़गिड़ेंगे नहीं तो फिर अल्लाह तुमको नवाजेगा कैसा और दिंगा कैसा जो भी चीज मांग रहे तुम तो और अल्लाह दिंगा और हिफाजत करेगा कब तुम्हारी जब तुम उसके सामने गिड़गिड़ा के मांगेंगे तो तुम क्या उसके वली है अल्लाह के जो तुमने 24 घंटे इबादत में लगा दिया ले जो अल्लाह तुम्हारी डायरेक्ट सोचेगा कि ठीक है भाई मेरा वली है
उन्हें जो सोच लिया मैं वो कर देता हूँ, उन्हें जो सोच लिया वो हो देना, जो उन्हें जो भी सोचेगा बंजर जमीन पे पाँव रख दिया तो हरियाली छोड़ दूंगा। क्यों बोले अल्लाह ने, वो वलिया है, उन्होंने नहीं भी मांगे तो उनको अता करता अल्लाह, उनकी सोच बन जाता है। बात की वजह से तुम्हारी थोड़ी सोच बन जाता है, तुम्हारी सोच में गालियां गलोज हैं, कुछ में जादू कोने भरियाले, ये निकालो सोच में से और दिल दिमाग में से। नफसी नफसी मत करो, नफ्स से सब बातों को दूर करो और अच्छे अखलाक बनाओ। इबादत के अंदर ज्यादा से ज्यादा इबादत में रुजू हो जाओ, इबादत की तरफ, इबादत ज्यादा से ज्यादा करो। तुम जब इबादत बहुत करेंगे और गिड़गिड़ा के अपने रब से जानिमाज पर मांगेंगे तो यकीनन तुमको अता करेगा। चीज जादूगरों के पास जाने की जरूरत नहीं है, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। ये जो दास्तान हुए ली ना, ये अभी जो बताया मैं पेशेंट की, ये इन जादूगर के पास जाने के बाद ही जादूगर ने इनको उलट पलट करके लगा दिया सब चीजा। मैंने कि कैसा होगा, वो बचने को गए मगर उसको आता नहीं बचाने, उन्होंने उल्टा उनको क्या बोलते तो ज्यादा करके और भी आगे जता दूसरे छोड़ के आलम कर दिया। सारी दास्तान बता रही थी, पूछूंगा और भी आगे मिसाल के तौर पर सम एग्जाम्पल तुम्हारा इस बात का देता हूँ। जादू से जादू नहीं कटता, जादू से जादू काटने वालों ये शिर्क है ये बोलना। अल्लाह के कलाम से कटता जादू, क्योंकि अल्लाह का कलाम सबके ऊपर काबिज है, अल्लाह का कलाम सबके ऊपर मजबूत है, उसके तो सदके तुफेल में ये सब चल रहा आलम पूरा। और तुम फिर बोलते कि अक्ल से पैदल हो, जादू से जादू नहीं कटता। सम एग्जाम्पल तुमको मैं देता, बंदूक तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर है और तुम गोली मारो किसको भी, वो डैमेज होगा सामने वाले, वो रिवॉल्वर तुम किसी और बच्चे के हाथ में दो उन्हें गोली मारो तो डैमेज होगा सामने वाले को, यानी कि जिसको भी जाके गोली लगेंगी वो चीज को डैमेज करेंगी। डैमेज तो कर दिए, हर कोई डैमेज कर सकता गोली मार के, क्या वो डैमेज को सी सकता टाका मार के, क्या उसमें से गोली निकाल के बाहर फेंक सकता वो आम आदमी जिन्होंने उसको डैमेज करा तो नहीं कर सकता ना। डैमेज तो करने आता मगर सीने नहीं आता, उसको राइट करने नहीं आता, राइट करने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता। तो वैसा राइट करने के लिए अल्लाह वालों के पास जाना, जादू टोने का वार जब चल रहा तो जब तुम महफूज रहेंगे, और चलने से पहले इबादत करो तो फिर अल्लाह तुम पे चलने मिलता, तुम आपको अपनी निगाह निगाह अल्लाह तुम्हारे ऊपर क्या बोलते निगाह बांध रहा, अल्लाह जब तुम्हारी हिफाजत करेगा कोई तुम जादू टोना नहीं कर सकते। सारे बातों का कंक्लूजन एक ही है, इबादत करो, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि दो चीजें तुमको मिल गए तो वो रस्सी को मजबूती से थामो। एक तो तुमको हदीसों को अहले मेरे अहले बैत कहीं पे भी तुमको मिल जाएंगे, मेरे आल औलाद आले रसूल औलाद अली को उनके दामन को मजबूती से थाम लो, और नहीं वो नहीं मिले तो फिर कुरान और हदीस उसकी रस्सी को मजबूती से थाम लो, क्योंकि दोनों भी तुमको अल्लाह रसूल रसूल के पास में लेके आएंगे। बहुत बातें बोलने के लिए मैं क्या बोलूं, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। कहां से आए थे? बेंगलुरु।